हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम रेगुलेटर, जिसे हम ट्राई भी कहते हैं, अभी वो एक बहुत सही चीज पे काम कर रही है। अभी तक क्या होता था कि जैसे हमारे साथ न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम होता था, जिनके साथ हो चुका है उनको बहुत अच्छे से पता है, जिनके साथ नहीं हुआ है उनको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी है क्या कि फेसबुक पे दोस्ती, फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज, बातचीत शुरू, फिर वीडियो कॉल, फिर जिससे आपकी फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुई थी, जो लड़की थी, वो आपको मांगती है, आपका नंबर मांगती है, व्हाट्सएप नंबर, फिर वो आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करती है, फिर वीडियो कॉल करते ही फिर वो अपने आप को न्यूड करती है, आपको भी प्रपोज करती है कि आप भी न्यूड हो जाइए, बातों बातों में आप भी न्यूड हो जाते हैं, कपड़े उतरते हैं, उसकी वीडियो क्लिप बनती है, फिर वीडियो क्लिप आपको सेंड की जाती है और फिर आपके साथ ब्लैकमेलिंग की जाती है। ये है सिलसिला न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम का। अब जो ट्राई रेगुलेटरी है वो क्या कर रही है कि वो अभी बहुत नया अच्छा फीचर लाने वाली है जो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी होता क्या था कि न्यू वीडियो कॉल का जो स्कैम होता था, तो पहले तो जो स्कैम करता था वो आपसे वसूलता था पैसे कि आप 10-15-20 हज़ार रुपये दो तो आपका जो वीडियो है हम ये वायरल नहीं करेंगे। आप डर जाते थे, कुछ हिम्मत टूट जाती थी, तो पैसा पेमेंट कर देते थे, सोचते थे अब ये वीडियो वायरल नहीं करेगा। एनी हाउ वो 15-20 हज़ार रुपये लेता था, रख लेता था, फिर वो आप कॉल नहीं करता था, करेक्ट? या करता भी था तो एक बार और करता था, कहता था मुझे 5 हज़ार रुपये और दो, क्योंकि जो वीडियो मैंने तो डिलीट कर दी थी अपने पास से, बट मेरी आईटी के पास तक पहुंच गई थी, अब उनसे डिलीट करानी है तो 5 हज़ार रुपये और चाहिए। तो अब होता क्या था कि आप फिर दोबारा पैसे देते थे, तो कुछ लोगों का तो केस पहली या दूसरी बार में पैसा देके निपट लेता था। बट अब सिलसिला पीछे बैकग्राउंड में क्या शुरू होता था कि अब यूट्यूब वाले का फोन आ रहा है कि मैं यूट्यूब का मैनेजर बोल रहा हूँ, अब फिर किसी और का फोन आ रहा है कि जी मैं इंस्टाग्राम का मैनेजर बोल रहा हूँ, किसी तीसरे का फोन आ रहा है कि जी मैं तो व्हाट्सएप का मैनेजर बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको कॉल आते थे कहकर प्लेटफॉर्म के नाम पर, और आपको फिर डराया जाता था कि आपका ये वीडियो जो है यूट्यूब पे वायरल हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, आपको रोकना है तो मुझे पैसे दे दीजिए, मैं यूट्यूब का मैनेजर बोल रहा हूँ। अब जो आपके पास फोन नंबर आते थे, वो फोन नंबर आपको नहीं पता होते थे किसके हैं किसके नहीं हैं, तो आप डर जाते थे, पता आप लगा नहीं सकते थे क्योंकि ये आपके हाथ में है नहीं कि किसी के नंबर का पूरी डिटेलिंग पता करना। बट अब ट्राई क्या करने वाली है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, वो क्या करेगा, जितने भी लोगों के मोबाइल नंबर हैं उन सबके आधार कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है आधार कार्ड से लिंक करने वाली है। मतलब आपके पास अगर किसी भी बंदे का फोन आता है तो नाम लिखा हुआ आएगा, और वो जो नाम होगा वो नाम होगा जो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। तो ये मान के चाहिए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी कि आपके पास कोई बंदा फ्रॉड करे और वो इस तरीके से कि आपको कॉल करेगी मैं यूट्यूब का मैनेजर बोल रहा हूँ, नाम वो अपना कुछ और बताए, एक्चुअल में वो कुछ और हो, तमाम सारे फर्जी आई कार्ड और ये सब चीज़ें आपको भेज दे। अब बहुत से फ्रॉडी स्कैमर क्या होते थे, वो अपना आधार कार्ड भी भेज देते थे बिलीव करने के लिए, अब वो आपको इस तरह का आधार कार्ड नहीं भेजेंगे क्योंकि आधार कार्ड और नाम मोबाइल नंबर सब मिसमैच हो जाएगा। तो अब पॉइंट ये है कि आपके साथ जो है वो सेफ्टी होने वाली है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट बहुत जल्दी आप लोगों के साथ सेफ्टी करने वाला है, और ये जो काम है ये मोस्ट प्रोबली मेरे ख्याल में अगले 3 महीने में खत्म हो जाएगा। अभी हम मई में खड़े हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये प्रोबेबिलिटी है कि ये काम खत्म हो जाएगा और ये काम शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहता कि फ्रॉड पूरा खत्म हो जाएगा, बट हाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो कॉल आएंगे तो वो 40% नहीं करेंगे, कुछ और जुगाड़ हो सकता है वो लगाएं, क्योंकि उनको भी ये चीज पता चल गई है कि जो ट्राई है टेलीकॉम डिपार्टमेंट वो इस तरीके का फंक्शन लाने वाला है कि अब किसी के मोबाइल पे कॉल आएगा तो उसका नाम भी लिख के आएगा। तो फिलहाल तो ये चीज बंद होने वाली है कि आपको कोई भी उल्टा सीधा नाम बताया और यूट्यूब का मैनेजर बना के धोखाधड़ी करनी शुरू कर दी। तो इस चीज से मुझे आप लोग को अपडेट कराना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर इस तरीके का आप लोगों के पास कभी भी कोई कॉल आता है, कोई आपको यूट्यूब का मैनेजर, व्हाट्सएप का मैनेजर कुछ भी बोलता है, तो आप उसको एटलीस्ट ट्रैक कर पाओगे, उससे आप क्वेश्चन कर पाओगे, अगर तुम हो तो अपना आई कार्ड भेजो, आधार कार्ड भेजो, तो वो भेज ही नहीं पाएगा क्योंकि दोनों चीजें मिसमैच हो जाएंगी। तो अब पॉइंट ये है कि सेफ्टी के नाम पे गवर्नमेंट ने एक ये रूल लाने वाली है और ये रूल सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और हम सब इसका लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे इस चीज के लिए कि इस फंक्शन को लाने के लिए मोबाइल में, जो कि अभी कुछ महीनों में आ जाएगा, 2-3 महीनों के अंदर,
और फिर ये लागू हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे YouTube की फैमिली के जो लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ, वो इस चक्कर में फंसे, उनके पास इस तरह का कॉल आया, तो उनके लिए ये राहत की सांस है। और जिनके साथ फ्रॉड की आशंकाएं बनी हुई हैं उनके लिए भी ये बहुत खुशी की खबर है। तो गाइस, इस खबर को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना कमेंट करके। और साथ साथ मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि अगर जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है, न्यूड वीडियो कॉल का स्कैम हो जाता है, तो उस पर डरे मत रहिए, उस पर बहुत ज्यादा मत सोचिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को मस्त होकर जिए। जो फ्रॉड हो गया सो होया, उसको भूल जाइए। अब उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई हेल्प चाहिए आप मुझसे मांगिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको आंसर दूंगा और मैं आपके इस तरह के सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूंगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।